subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो एज एक्सपेक्टेड हमने ऊपर की जो टारगेट थे मेरे, निफ्टी ने वो अचीव कर लिए। 16,200-16,250 के हमने हाई देखे थे और उस लेवल से जो है तो आज अच्छी खासी इक्वली हमने देखी है। निफ्टी बंद हुआ है लगभग 1% नीचे 16,030 पे, 173 पॉइंट डाउन। अगर हम चार्ट पे देखेंगे डेली चार्ट पे, तो आप देख सकते हो कि हमने 50 डेज का जो एवरेज है उसके नीचे क्लोजिंग दी है और अब हम जो है तो पिवट और 20 डेज का जो एवरेज है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो है तो कल के लिए आपको 15,925 ये लेवल बहुत क्लोजली वॉच करना है। अगर इस लेवल के नीचे स्लिप करता है मार्केट तो आपको यहाँ से जो है तो हो सकता है कि एक डाउन लेग खुलेगा मार्केट के लिए, जिसमें जो है तो निफ्टी 15,300 की तरफ फिर से जर्नी स्टार्ट कर सकता है। अगर यहाँ जो है तो 15,925 का लेवल सस्टेन करता है तो आपको बाउंस बैक दिख सकता है, जो इसको 16,500 से लेकर 550 की तरफ लेकर जाएगा। उसकी पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा देर लग रही है कि हम जो है तो 15,925 पे सपोर्ट लेने के बाद वहाँ से बाउंस बैक करेंगे। अगर 15,925 टूट जाता है तो आपको जो है तो यहाँ से एक पैनिक सेलिंग आती हुई दिखेगी मार्केट में, जो इसको लेकर जा सकती है 15,300 और उसके भी नीचे जो लेवल आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो कल के लिए वॉच करना है आपको 15,925 का लेवल। अभी देखते हैं आवरली चार्ट। तो आवरली चार्ट पे जो है तो आप देख सकते हो कि हम जो है तो 20 आवर का जो एवरेज है उसके नीचे बंद हुए हैं और 50 आवर का एवरेज उसके अराउंड बंद हुए हैं। यहाँ भी जो है तो 15,925-15,950 ये सपोर्ट जोन है। अगर ये उसके नीचे हम क्लोज करते हैं कल, तो यहाँ से जो है तो आपको कंटिन्यूस डाउन साइड देखने को मिल सकती है मार्केट में। और उस सिनेरियो में 15,800-15,700 और उसके बाद में जो है तो 15,450 के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ जो है तो मार्केट ओवरसोल्ड लग रहे हैं, तो यहाँ हो सकता है कि कल जो है तो 15,925 को टच करने के बाद आप यहाँ बाउंस बैक देख सकते हैं। तो आपका स्टॉप लॉस जो है लॉन्ग साइड के लिए 15,900 के नीचे रखना चाहिए। तो यहाँ कल के लिए ट्रेड बनता है लॉन्ग साइड का, हम 925 के अराउंड खरीदेंगे, 900 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और जो हमारा टारगेट रहेगा वो 16,250 और 16,550 के रहेंगे। ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए टारगेट बन सकते हैं। अगर हमारा टारगेट ट्रिगर हो जाता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, तो आपको जो है तो स्ट्रेटजी बदलनी पड़ सकती है और यहाँ जो है तो फिर मार्केट जो है तो सेल ऑन राइज हो जाएगा, जिसमें आपको 15,800-15,700 और 15,450 के लेवल जो है तो ऑन डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना है, ये लक्ष्मण रेखा है 15,900 से लेकर 15,950 का जोन। अगर उसके नीचे जाते हैं तो आपको शार्प सेल ऑफ देखने को मिलेगा मार्केट में और डाउन साइड टारगेट भी बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ डाउन साइड का मोमेंटम बहुत ज़ोर से बनेगा। अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो ऊपर आपको फिर से 16,250 और उसके बाद में 16,550 के टारगेट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ दोनों साइड आपको ट्रेड वॉच करना है और लेवल पे खेलना है। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो 16,925 के अराउंड मार्केट आता है तो एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीद के चलिए, स्टॉप लॉस 900 के नीचे और जो टारगेट रहेंगे वो 16,200 में उसके बाद में 16,550 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये मैं मंथली ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम फोकस करेंगे जो 16,000 का पुट ऑप्शन है इन द मनी, उस पर हम फोकस करेंगे। तो ये दोनों तरफ भी आपको प्ले करना है। यहाँ क्लियरली वॉच करना है 15,900 का लेवल। अगर ये टूट जाता है तो आपको मार्केट में जो है तो एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है और शार्प डाउन साइड मोमेंटम बिल्डअप होगा, जिसमें 15,800-15,750 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आई होप सो ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो ऑन श्योर शॉर्ट कॉल, तो मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।